आप हमारे पीछे ये मशीन देख रहे होंगे, आपने इस मशीन का वीडियो भी ऑलरेडी देख चुका होगा हमारे चैनल पे। एक्चुअली ये कमर्शियल मशीन है जो 7.5 HP, 10 HP, 15 HP पे चलाते हैं, आपको भी ये पता होगा। लेकिन आज हम इस मशीन के बारे में नहीं, इसी का एक नया वर्जन मशीन है। कौन सी मशीन है जो बेहद कम पूंजी से आप स्टार्ट कर सकते हो उस मशीन को ला करके खुद का बिजनेस, उस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। वो जो कमर्शियल मशीन है देखिए आपकी, उसी का डोमेस्टिक वर्जन आप कह सकते हैं, जो पंजाब मॉडल है। पंजाब मॉडल का ये छोटा सा रूपांतरण देख लीजिए, छोटा पंजाब मॉडल जिसको आप कह सकते हैं, जो 3 HP 5 HP में आप चला सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी की कमी है, कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी आप पंजाब मॉडल लगाना चाहते हैं, सिंगल फेज में चलाना चाहते हैं, तो ये मशीन आपके लिए साक्षी एंटरप्राइजेस से लेकर आ रहे हैं। सुनील चौधरी जी यहाँ के ऑनर है, उनको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं इस मशीन के बारे में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी साक्षी एंटरप्राइजेस में। स्वागत। बहुत सारी मशीनें तो आपने दिखाई है, एक नई मशीन जिसको कह सकते हैं पंजाब मॉडल का छोटा वर्जन, यानी छोटा पंजाब मॉडल। पंजाब मॉडल में इसको छोटा हाथी कहिए, छोटा हाथी, हाँ ठीक है, या छोटा मरियल कहिए, या नई सोच कहिए, जो भी कहिए। आज के डेट में कम पूंजी वाले लोग, जिसके पास कम पूंजी है, सिंगल फेज पे चलाना चाहते हैं 3 HP 4 HP में, उन लोगों के लिए है। जो बहुत ताकतवर मशीन है, प्रोडक्शन में आपको ट्रिपल फेज को ही फेल कर रहा है। लोगों को पता है कि पंजाब मॉडल का क्या उसका प्रोडक्शन है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, सब कुछ लोगों को पता है। तो ये छोटा पंजाब मॉडल क्या उसी टक्कर का है, उसी रेंज का है? ठीक है, छोटा पंजाब मॉडल कहने के लिए छोटा पंजाब मॉडल है, लेकिन बड़े पंजाब मॉडल का टक्कर दे रहा है। अच्छा, प्रोडक्शन में कहीं कोई कमी नहीं है आपके, इसका प्रोडक्शन से लेके देखिए, बनावट से देखे देख लीजिए, इसका चेंबर देख लीजिए या ब्लेड देख लीजिए, हर कोई टोटल डिजाइन आपका वही मिलेगा, सेम सेम मिलेगा। प्रोडक्शन में जैसे इसको आप देख रहे हैं पंजाब मॉडल में जो आ गया, इसको आप है 5 HP का, लेकिन 5 HP 4 HP और 3 HP तक सिंगल फेज में इसको या ट्रिपल फेज में आप यूज कर सकते हैं। मतलब 3 HP 4 HP 5 HP जो भी आप चाहे, सिंगल फेज चाहे सिंगल फेज में करें, थ्री फेज में चाहे, थ्री फेज करना चाहे, इसमें आराम से कर दें आप। प्रोडक्शन 5 HP में मिनिमम 50 kg का, 50 kg वो भी आपके वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अनाज के 4 HP का मोटर लगाते हैं तो 40 का एवरेज भी रहेगा कम से कम। 3 HP का अगर लगाते हैं तो 3 HP का 30+ जाएगा, 30+ जाएगा आपका प्रोडक्शन। मतलब हम हमारे मोटर के ऊपर है कि हम कैसा मोटर लगाते हैं, जैसा मोटर लगाइएगा उस हिसाब से प्रोडक्शन इसमें आपको। अच्छा, मोटर की बात करें तो जैसे आप बता रहे 3 HP 4 HP 5 HP, वो कोई कंपनी पर डिपेंड करता है कि आप ये ब्रांडेड मोटर लगाएंगे तो इतना प्रोडक्शन देगा? ब्रांडेड मोटर जैसे क्रेमटम है, हैवेल्स वगैरह का लगाइएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और विश्वसनीय भी होता है। सेकंड थर्ड बात क्या होता है कि आपका वोल्टेज भी कम अगर रहेगा ना, तो वो लोड में उठा लेगा, लोड लेगा, बिजली खपत आपकी कम होगी। लोकल लीजिएगा तो बिजली खपत ज्यादा होगा, प्रोडक्शन आपका कम होगा, बार बार जलने की भी समस्या आएगी, इसमें कहीं कोई ऐसी समस्या आपको नहीं आएगी। इसलिए कभी भी कोई भी विश्वसनीय चीज लोग लेता है। हम किसी को ही बोलते हैं कि अगर लेना है तो क्रोमटन का ही मोटर आप लीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है ये मशीन उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जिनके पास कम पूंजी है, जी, घर में घर की महिलाएं हैं जो घर से शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इनकम करके पार्ट टाइम के तौर पे अगर करना चाहे, उनके लिए ये मशीन बेस्ट होने वाला है। कम पूंजी के लिए जैसे लघु कुटीर उद्योग में, अभी एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी 5 तारीख को माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी अभी नया जो स्कीम निकाले हैं 2 लाख का जो स्कीम निकला है, जो 94 लाख लोगों को देना है जिनकी मंथली आमदनी 6,000 से कम है, जो कम पूंजी वाले लोग हैं, मतलब कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको 3 किस्त में दिया जाएगा। जो फर्स्ट किस्त होता है 25% यानी 50,000, सेकेंड किस्त होता है 50% यानी 1 लाख, और थर्ड किस्त होता है फिर 50,000 माने 25% आपको मिलेगा, जिसका अप्लाई अभी आप कर सकते हैं। डेट आपका 6 तारीख से लेके अभी मतलब कि 17 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, इसका कर सकते हैं। उसके अंतर्गत ये लोग ये आता है, और इस चीज को देखते ही इस मशीन को
मंगाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग करवाया गया है, जो कम पूंजी में लोग अच्छा काम कर सके। इसमें सत्तू, बेसन, आटा, कुछ भी काम आप कर सकते हैं, मसाला का काम इसे आप कर सकते हैं। थोड़ा सा सर इसके चैम्बर वगैरह के बारे में बताइए। इसकी आप चैम्बर तो देखिए, हैमर को भी देखिए, इसकी चैम्बर देखिए, इसकी चैम्बर ये है, आपकी हैमर को देखिए, कहना कि छोटा पंजाब मॉडल में आता है, छोटा पंजाब मॉडल आप कह सकते हैं। इसकी दाता भी सेम वही है, 16 mm का करीब दाता होगा इसका, जाली भी वही भी है, सब कुछ वही है, जाली की संख्या भी वही होगी जी। आपका जो होपर बना हुआ है दो पार्ट में किया हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है, सब कुछ सिस्टम वही है, सिर्फ साइज छोटा है, वर्क थोड़ा छोटा होगा इसका। तो सर अगर हम बजट की बात कर लें, जो आप कह रहे हैं कि कम से कम, देखिए साक्षी इंटरप्राइजेस से जुड़ता है जी, कम से कम कितने पैसे लगा करके वो छोटा से छोटा बिजनेस शुरू कर सकते? देखिए हमारे यहाँ कम से कम, जैसे इस मशीन नहीं और भी हमारे मशीन पे है, आपको 25,000-30,000 रुपया से आराम से आप काम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 25,000-30,000 रुपए की मशीन लगा करके शुरुआत किया, आराम से काम कर सकते हैं आप, 25,000-30,000 रुपए लगा करके आप शुरू कर सकते हैं। और इसको सर आप ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में भिजवाते हैं? ट्रांसपोर्टर इंडिया के किसी भी कोना में। अभी ये मशीन मेरा जनकपुर के लिए भी बुकिंग हुई है, अच्छा। जो अभी मलेशिया में वो रहते हैं जी। जनकपुर के लिए बुक करवाए, मशीन जनकपुर जाएगा। कल के डेट में एक तेघरा में भी मशीन गया है, मैं दो मशीन मेरा मधुबनी में भी बुकिंग होके गया है यहाँ से सर। और जो जहाँ गया है इस मशीन से पूर्णतः संतुष्ट है। तो दोस्तों अगर आप इस मशीन को बुक करना चाहते हैं तो बुकिंग करना बहुत ही आसान है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे विजिट करें। अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एड्रेस तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और सर भी अभी बताएंगे वीडियो के अंत में एड्रेस क्या है। लेकिन अगर आप बुकिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं, घर पे मंगवाना चाहते हैं, नंबर आपका आ रहा है आपको साक्षी इंटरप्राइजेस का डिस्प्ले पे, उस नंबर पे आप कॉल करिए, बात करिए, जानकारी लीजिए इस मशीन के बारे में, बुकिंग करवा सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी। एक और चीज है साक्षी इंटरप्राइजेस में जो कि चेंजिंग हुई है, क्योंकि ये समय समय पर चेंज करते रहते हैं, तो वो दोस्तों मशीन है ये, और इसमें क्या चेंजेज है, क्या चेंजिंग करके लाए हैं सुनील जी, खुद इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं सर बताइए क्या चेंज किया है आपने इसमें। सबसे पहले चैम्बर में देखिए, 6 ब्लेड तो सब लोग बोलते थे कि 6 ब्लेड है, 4 ब्लेड है, इसमें 6 ब्लेड में भी हम थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, जो आपको हम आपको दिखाते हैं। पहले क्या होता था कि ब्लेड अलग अलग होता था, और इसमें देखिए इसकी ब्लेड की बनावट को आप देखिए, जो बहुत स्ट्रांग है, और इसमें क्या है कि मशीन पे लोड भी कम पड़ता है और टूटने की डर भी खत्म हो जाती है। इसमें सिस्टम है कि एक तरफ से अगर घिस जाता है तो आप इसको पलट के आप लगा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस ये समय समय पर अपने मशीनों में करते रहते हैं, जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट आता है या फिर जैसा उनका सुझाव आता है। अगर आप कोई भी मशीनें यहाँ से लेना चाहते हैं, चाहे वो कॉमर्शियल मशीनें हो, चाहे डोमेस्टिक यूज के लिए हो, चाहे मसाला की मशीनें हो, तेल की मिल हो, कोई हिसाब भी आप फूड मशीन से रिलेटेड लेना चाहते हैं, राइस मिल हो, कोई भी मशीन चाहे, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे मशीनें ले सकते हैं। बहुत सारी मशीनों का रेंज इनके पास है। अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो सर एड्रेस बता दीजिए। यहाँ का एड्रेस हुआ साक्षी एंटरप्राइजेस, NH57 नियर पहाड़पुर शनि मंदिर, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ जो बस स्टैंड है बैरिया, वहां से बिल्कुल सटे हुए ही है शनि मंदिर, वहीं पे इनका एड्रेस है साक्षी एंटरप्राइजेस। आप जब चाहे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, मशीनें आप लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।